चार उड़ाते हैं पल पल। प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर पहुंचे फतेहाबाद। पूर्व विधायक एवं भाजपा नेता बलवान सिंह के भतीजे के विवाह समारोह में सम्मिलित होने आए थे सीएम। वहीं डेरा चीफ की एक दिन की पैरोल मामले में गृह मंत्री को जानकारी नहीं होने के मामले में बोले सीएम खट्टर। कहा जेल मैनुअल के तहत सनराइज से सनसेट तक पैरोल देने का लोकल अधिकारियों को होता है विशेषाधिकार। वहीं बड़ौदा उपचुनाव के नतीजों को लेकर के सवाल पर सीएम बोले, अपनी अपनी जीत मानकर सभी चल रहे हैं। फतेहाबाद से राजेश भापू की विशेष रिपोर्ट। प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल आज फतेहाबाद पहुंचे। मुख्यमंत्री यहां एक विवाह समारोह में शिरकत करने पहुंचे थे। समारोह में शामिल होने के उपरांत सीएम ने मीडिया के सवालों का जवाब भी दिया। प्रदेश में जहरीले शराब के मामले में विपक्ष द्वारा सीएम और डिप्टी सीएम के इस्तीफे की मांग पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि प्रदेश में 1980 से लेकर के 2004 तक 12 बार इस प्रकार के प्रकरण हुए हैं। पहले इस बात का जवाब दें कि वे सीएम से पहले इस्तीफा दे चुके हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे में सामाजिक मुद्दे हैं और जो समय समय पर होते रहते हैं। प्रदेश में पटाखों की बिक्री और बजाने पर प्रतिबंध मामले में बोलते हुए सीएम ने कहा कि इन दिनों वायु प्रदूषण का स्तर बेहद खतरनाक स्थिति पर पहुंच चुका है, ऐसे में एहतियात के तौर पर ये कदम उठाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि ऐसी व्यवस्था की जा रही है कि प्रदेश में 2 घंटे पटाखे बेचने और बजाने की अनुमति दी जाएगी। वहीं डेरा चीफ को पैरोल मिलने तथा गृह मंत्री को इस बारे में जानकारी न होने पर सीएम ने कहा कि यह जेल सुप्रिटेंडेंट का क्षेत्राधिकार है, वह किसी भी विशेष परिस्थितियों में सूरज उदय से लेकर के सूरज अस्त तक किसी भी कैदी को पैरोल दे सकता है। उन्होंने बड़ौदा उपचुनाव के नतीजों पर सवाल में कहा कि सभी सरकार के दल अपनी अपनी जीत के प्रति आश्वस्त हैं। वहीं प्रदेश में मेडिकल छात्रों की फीस बढ़ाने के मामले में सीएम ने कहा कि प्रदेश में पिछले लंबे समय से मेडिकल की फीस नहीं बढ़ाई गई, इसलिए फीसों में वृद्धि की गई है, मगर अब भी इन प्रदेशों में अनेक प्रदेशों के मुकाबले में यहाँ कम है और इसका उदाहरण पंजाब है। बिहार चुनाव के एग्जिट पर सीएम ने कहा कि बिहार के बारे में कुछ नहीं कह सकते, हरियाणा में हम अच्छी स्थिति में हैं। आप देख रहे हैं पल पल फतेहाबाद से विशेष। बड़ौदा इलेक्शन क्या लग रहा है? बाकी चुनाव से पहले पूछते तो कुछ और बताते, अब चुनाव हो गया है, परसों रिजल्ट आने हैं, सब आपके सामने आ जाएगा। क्या अनुमान लगाते हैं, कितने अनुमान? तो सभी अपनी अपनी जीत का लगा रहे हैं। देखिए, बहुत एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और इसमें कुछ लोग एक ओछी मानसिकता को लेकर के और इस प्रकार के अपने धंधे करके पैसा कमाने के चक्कर में रहते हैं, जो ये ध्यान नहीं करते कि इसका कितना दुष्प्रभाव हो सकता है। तो इसके लिए एक्शन हमने किया है, FIR हो गई है, कुछ लोग पकड़े गए हैं और जो नकली शराब बनाते थे, जहरीली शराब, उसका सामान भी पकड़ा गया है। 2 जो मेन कल्प्रेट भागे हुए हैं उनको पुलिस बहुत जल्दी गिरफ्तार करेगी। विपक्ष इस्तीफे की मांग कर रहा है डिप्टी सीएम और आपकी, अभी ओहदा छोड़ देना चाहिए, जिस तरह से जहरीली शराब से मौत हो रही है। सन 1980 से लेकर के और 2004 तक 12 बार इस प्रकार की घटना हुई है। कितने बार ज्वाइन किया उन्होंने? रणदीप सुरजेवाला जी काफी इसमें, मैं कह रहा हूँ कितनी बार किया, उनके टाइम पर नहीं हुआ क्या? ये ऐसे विषय हैं जो समाज में किसी भी प्रदेश में कभी ना कभी होते रहते हैं। अभी पीछे पंजाब में हुआ, तरनतारण में, 1980 में नरवाना के अंदर हुआ था। ये तो नरवाना के रहने वाले हैं, उस समय क्या एक्शन किया था? उस समय ये तो एक्टिव नहीं होंगे, इनके पिताजी तो एक्टिव थे। ये ओछी बातें होती हैं। साहब कहते हैं कि हमें पता ही नहीं कि पैरोल मिली है। वो काम जेल एडमिनिस्ट्रेशन का होता है, जेल मैनुअल में लिखा हुआ है कि किसी भी कैदी को सनराइज से लेकर के सनसेट तक, जो होता है अध्यक्ष जेल सुप्रिंट का अधिकार होता है किसी को भी, और वो भी कोई खास ऐसा कोई विषय किसी कैदी के यानी उसमें आ जाए। अब उनकी माँ बीमार हुई, उन्होंने अप्लाई किया, एक दिन पहले अप्लाई किया, अगले दिन उन्होंने सनराइज से सनसेट तक विद सिक्योरिटी,
अपनी माँ को बीमार को मिलने के लिए गए, वापस आ गए। पीछे कहता हूँ मुख्यमंत्री जी, आपने पटाखों पर बैन लगाया दिल्ली के बाद, आपने पटाखों बैन लगाया, ऐसे में व्यापारियों का कहना है कि हम बर्बाद हो जाएंगे, मौके पे आपने जिस तरह से जो प्रतिबंध लगा दिया पटाखों, इसमें चूंकि NGT है, इसमें पॉल्यूशन का जो खतरनाक लेवल पहुंच गया है और कोरोना ऊपर से चल रहा है, हमने देखा कि कोरोना की दोबारा से फिर ये खास करके प्रदूषण जब से बढ़ रहा है, मौसम बदल रहा है, कोरोना का जो मरीज है फिर बढ़ने शुरू हो गए, जो हमारे 1000 तक आ गए थे हरियाणा में, आज 2021 सफर पर पहुंच गए हैं। तो हमें इन चीज़ों से थोड़ा सा ध्यान रख करके इनके ऊपर कोई ना कोई संज्ञान लेना पड़ता है। फिर भी जो लोग पटाखे अपने बेचना चाहे चलाना चाहे तो 2 घंटे की उसमें छूट दी है, उस 2 घंटे के लिए वो बेच सकते हैं। तमाम मीडिया पोल के अनुसार बिहार के अंदर महागठबंधन की सरकार बन रही है, आप किस तरह से देखते हैं? हरियाणा में हम ठीक ठाक हैं, हरियाणा के बारे में हमें ज्यादा पता है, निजी स्कूल शुरू कर दिए गए हैं, लेकिन जो बच्चे बहुत वर्षों से मेडिकल फीस इतनी चल रही थी और आखिर हर बार कुछ ना कुछ बढ़ोतरी होती है खर्चों में, तो फीस बढ़ानी पड़ती है। सबसे ज्यादा होगी? अरे ऐसा नहीं, ऐसा नहीं है, पंजाब में भी हमारे से ज्यादा है। नहीं सर, पंजाब में भी गवर्नमेंट फीस वहाँ 2 लाख रुपया है, हमारी तो अभी 80,000 रुपया है। हाँ, उसमें एक बॉन्ड हमने भरवाया है 10 लाख रुपए का, वो उनके लिए जो MBBS करने के बाद सरकारी नौकरी नहीं करेंगे, बाहर चले जाएंगे, वो उसको पे करेंगे, और जो सरकारी नौकरी में रहेगा उसका वो पैसा कोई नहीं लगेगा, वो जो बॉन्ड है उसका जिम्मेवारी फिर हरियाणा सरकार की है। तो इसलिए प्राइवेट जो कॉलेजेस हैं वहाँ 15-15 लाख 17-17 लाख रुपये फीस है, तो हमने तो 10 लाख रुपये का बॉन्ड भरवाया है, तो 10 लाख रुपये बॉन्ड इसलिए कि वो सरकारी नौकरी करें, अन्यथा बहुत डॉक्टर पढ़ाई यहाँ करते हैं, करोड़ रुपये का खर्च यहाँ होता है, एक एक डॉक्टर को बढ़ाने में करोड़ रुपये से ज़्यादा 1.5 करोड़ का खर्च होता है, और वो फिर जाकर प्राइवेट सर्विस करते हैं, तो थोड़ा उनको बंधन में रखने के लिए ये सब किया गया। किसान आंदोलन शांत करने का कोई रास्ता सर? किसान आंदोलन लगा? किसान आंदोलन हरियाणा में उस प्रकार का नहीं है जैसा आप पंजाब की सारी घटनाएं देखते हैं, क्योंकि तीनों कृषि बिल जो हैं इनको किसानों को कांग्रेस उकसा रही है, और कांग्रेस का एक इतना बड़ा जो तमाशा उन्होंने किया विधानसभा में, चर्चा करने से ही भाग गए, वो कहते हैं हम केवल किसी प्रस्ताव को रखने के बाद उसके ऊपर वोटिंग कराएंगे बिना चर्चा के। क्या लोकतांत्रिक किसी व्यवस्था में कभी भी वोटिंग होती है उससे पहले ही चर्चा होती है? कोई वोटिंग के बाद कभी चर्चा हुई आज तक? वोटिंग के बाद तो निर्णय होता है, तो हमने कैसे पहले चर्चा करी है कि ठीक क्या है गलत क्या है, हम भी बताएंगे आप भी बताइए, और भाग गए। मुख्यमंत्री, दीपावली का त्यौहार आ रहा है, ऐसे में कोरोना महामारी बाजारों में जिस तरह भीड़ ना जुटे, आपकी अपील प्रदेशवासियों को? हमने अपील की है कि इस प्रकार की भीड़ ना जुटाएं, मास्क पहन कर रखें, दूरी बनाकर रखें, ताकि कोरोना फैले।